बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट पवित्र पुनिया जब से घर में आई हैं तब से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर में उन्हें देखने के बाद अब उनके कितने लड़कों के साथ अफेयर्स रहे हैं ये बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है। हाल ही में पवित्रा के बॉयफ्रेंड रह चुके पारस छाबड़ा ने उन्हें स्कैंडलस एक्स कहा था। पारस छाबड़ा ने खुलासा किया था कि एक्ट्रेस ने उनसे अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई थी और अब बिग बॉस 14 के घर से एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस क्लिप में पवित्रा कह रही हैं कि उन्होंने एक ही समय में दो लोगों को डेट किया है और ये कहते हुए वो हंस रही है। ये है मोहब्बत फेम एक्ट्रेस ने बताया कि वो दोनों पुरुषों से एक साथ बात किया करती थी और दोनों को बेबी बुलाती थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। शो के एक लेटेस्ट एपिसोड के दौरान पवित्रा पुनिया, निशांत सिंह मलकहानी, सारा गुरपाल और राहुल वैद्य घर के गार्डन एरिया में बैठकर बातचीत करते दिख रहे हैं। बातचीत के दौरान ही पवित्रा डेटिंग को लेकर इस बात का खुलासा करती हैं। शो का ये क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस बता रही हैं कि वो कैसे दोनों से बात किया करती थी। इस वीडियो को paras.sleaze नाम के एक इंस्टाग्राम हैंडल ने शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है @ पवित्रा पुनिया की असलियत, जो एक समय में दो लोगों को डेट कर रही थी और उन्हें बेवकूफ बना रही थी और अब ये तय हो गया है कि पवित्रा लड़कों के प्यार का फायदा उठाती थी जिसे उन्होंने खुद ही स्वीकार लिया है। बिग बॉस 14 में प्रतिभागियों को इस बार गाइड करने के लिए बिग बॉस के एक्स प्रतिभागियों को मेंटर्स बनाकर रखा गया है जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं और सभी प्रतिभागियों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं। वहीं बिग बॉस 14 में अब मेकर्स ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें इस बार के कंटेस्टेंट की लिस्ट में पवित्रा पुनिया भी शामिल है और अब खबर आ रही है कि पवित्रा के एक्स बॉयफ्रेंड प्रतीक सहजपाल भी 16 अक्टूबर को शो में एंट्री लेने वाले हैं। खबरों के मुताबिक नैना सिंह, शार्दुल पंडित, सपना सप्पू, प्रतीक सहजपाल और रश्मि गुप्ता को मुंबई के एक होटल में क्वारंटीन किया गया है। ये सभी अगले वीकेंड के वॉर में एक सीक्रेट रूम में एंट्री लेंगे। इन सभी की एंट्री को सीक्रेट रखा गया है और इन्हें टास्क दिए जाएंगे। साथ ही मेंटोर के तौर पर एक्स कंटेस्टेंट गौतम गुलाटी की भी एंट्री अगले हफ्ते होने वाली है जिसकी सूचना खुद गौतम ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। वेल, इस बार बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट पवित्रा पुनिया काफी सुर्खियों में है। दरअसल वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर चर्चा में बनी हुई है। पवित्रा पुनिया का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक ही समय में वो दो बॉयफ्रेंड होने की बात को स्वीकारती नजर आ रही हैं। इसके पहले पवित्रा के एक्स बॉयफ्रेंड पारस छाबड़ा ने दावा किया था कि पवित्रा पहले से ही शादीशुदा थी और जब वो रिश्ते में थे तो उनसे ये बात छिपाई गई थी।